यूपी में होगी नौकरी की गारंटी, हर घर में कम से कम एक युवा हो नौकरी सुधा। नए आयोग के गठन पर हो रहा विचार, स्थायी रोजगार आयोग के गठन का विचार कर रही है सरकार। उप मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, मुख्य सचिव के कद का होगा रोजगार आयुक्त का पद, आयोग के अधीन होंगे रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार आदि विभाग। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश से बेरोजगारी के दंश मिटाने के लिए एक अनूठी कोशिश करने जा रही है। कम से कम हर घर में एक नौकरीशुदा युवा हो, इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग तैयार करने में लगी है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। रोजगार आयुक्त तो इसका मुखिया होगा, उसका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेगा। उसको यह अधिकार होगा कि वह रोजगार कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। इसमें सरकारी सेवा से लेकर गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल है। निजी क्षेत्र में उपलब्ध देश और विदेश से उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण भी दे। प्रस्तावित आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नजर रखेगा, साथ ही यह भी तय कराएगा कि नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता से हो। उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद नौकरी या स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैंकर से समन्वय स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उनको ऋण दिलवाएगा। अलग अलग देशों के दूतावासों से संपर्क कर वहां उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए वह रोजगार मेले का भी आयोजन कराएगा। मनरेगा के तहत जिस तरह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है, उसी तरह की गारंटी शहरों और कस्बों में रहने वाले हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की कर सकती है। मालूम हो कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में दूसरे प्रदेश से श्रमिक अपने गांव वापस हुए। इनमें से बहुत से श्रमिक अलग अलग विधाओं में दक्ष थे। इन सबको स्थानीय स्तर पर उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार मिले, इसके लिए संबंधित जिलों के मुख्यालय पर इनकी स्किल्स मैपिंग भी कराई गई। इन सबको रोजगार देने के लिए अस्थायी तौर पर एक रोजगार आयोग का गठन किया है। इनको इनकी दक्षता के अनुसार रोजगार आयोग का भी गठन हुआ। इस आयोग में कृषि उत्पादन आयुक्त, एपीसी और औद्योगिक अवस्थापना आयुक्त शामिल हैं। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होने के नाते अपेक्षित नतीजे नहीं निकल पाए। अपेक्षित प्रगति और बेहतर समन्वय के लिए सरकार स्थायी रोजगार आयोग के गठन के बारे में सोच रही है। इसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। रोजगार आयुक्त अपनी रिपोर्ट रोजगार आयोग को करेंगे।